बिहार के छपरा में रसोई गैस सिलेंडर में धमाके से हड़कंप मच गया। देखिए तस्वीरें, ये था सिलेंडर और इसमें धमाका, देखिए किस तरह से सिलेंडर फट गया है और एकदम से धमाका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से घर से धुआं उठता आपको दिखा और ये अचानक से धमाका और उसके बाद अफरा तफरी। आपको बता दें कि ये घटना खरखा प्रखंड की है। हादसा खाना बनाने के दौरान हुआ। घर के अंदर खाना बन रहा था तभी सिलेंडर में लीकेज शुरू हो गया और देखते ही देख रहे अफरा तफरी मच गई। चंद सेकंड के अंदर ही सिलेंडर में ऐसा धमाका हुआ कि सभी के होश हो गए। धमाके की वजह से घर की छत भी उड़ गई। ये पूरी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। इस देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह धमाका कितना पावरफुल रहा हो। और नोएडा के फिल्म सिटी में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान दो आरोपियों को आता देख पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन दोनों रुकने के बजाय भागने लगे। साथ ही पुलिस वालों पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस ने भी उनका पीछा शुरू कर दिया और गोली का जवाब गोली से दिया। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी जख्मी हो गए। पकड़े जाने के बाद खुलासा हुआ कि दोनों 25,000 के इनामी बदमाश हैं। ये देखिए उस बदमाश की तस्वीर जो कि जख्मी होने के बाद गिर पड़ा था। मुजफ्फरनगर में भी देर रात चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ। एक संदिग्ध बाइक सवार को देखकर जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वो गोलीबारी करके भागने लगे। पुलिस वालों ने भी गोली चलाई जिसमें एक बदमाश जख्मी हो गया। दूसरा बदमाश गन्ने के खेत में भागने में कामयाब हो गया। उसे ढूंढने के लिए पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक, एक देसी तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए। और बागपत के बड़ौत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कुछ लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़ित सभी एक बारात में गए थे। वहीं शराब पीने को लेकर उनमें कहासुनी हो गई और उसके बाद मारपीट की तस्वीर। इसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। कुछ युवकों ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई की, बेल्ट भी मारे। ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को कुछ और युवकों की तलाश। अब खबर दिल्ली से, जहां पर गांधीनगर इलाके में एक दुकान में आगजनी पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पहले लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि दुकान में आग किसने लगाई, लेकिन जब सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई तो सच भी सामने आ गया। दरअसल एक सिरफिरे ने कपड़े की दुकान को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए सुबह की तस्वीरें, जब ये दुकान जलकर खाक हो गया है और उसके गुनाह की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में हालांकि कैद हो गई। पुलिस अब इसी सीसीटीवी तस्वीर की मदद से आरोपी की पहचान में जुटी है, लेकिन कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया। और गुजरात के नवसारी में एक बार फिर नोटों की बारिश हुई है। ये वाकया एक लोक कार्यक्रम के दौरान हुआ। वहां वांजना गांव में मंदिर के निर्माण के लिए लोक गायन का कार्यक्रम रखा गया था। गायक कीर्तिदान गढ़वी ने जैसे ही भजन कार्यक्रम शुरू किया, वहां मौजूद कई लोग रुपए लेकर आ गए और स्टेज पर नोटों की बारिश करने लगे। देखिए जरा, we'll be right back.